इन अ कंक्लूजन व्हाट वी डोंट हैव टू डू, समराइज नहीं करना है. एक तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने टॉपिक लिखा, फिर उसी को आप समराइज, उसी को समराइज कर दोगे, वर्ड वेस्ट करोगे. तो ये नहीं करना है, समराइज नहीं करना है. कंक्लूजन इज नॉट समराइजेशन. एंड देन एक टू, एक से दो सेंटेंस में नहीं लिखना, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सारे पॉइंट एग्जॉस्ट कर दिया, आपको कुछ आता नहीं है आगे. फिर कोई भी फ्रेश आर्ग्यूमेंट स्टार्ट मत करो, आप स्कोप छोड़ दोगे एग्जामिनर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए. तो कुछ नया स्टार्ट मत करिए कंक्लूजन में. फ्रेश आर्ग्यूमेंट या फ्यूचरिस्टिक विजन में क्या होता है अंतर? देखो, फ्रेश आर्ग्यूमेंट तो निधन ही ना नहीं है कंक्लूजन में. फ्यूचरिस्टिक विजन दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ न्यू मैन, न्यू वुमेन के लिए आइडिया ऑफ न्यू मैन. न्यू मैन क्या है? द मैन हु इज़ नॉट पेट्रियार्कल, द मैन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी, द मैन हु वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, मैन हु अंडरस्टैंड द हार्शनेस फेस्ड बाय द वुमेन. इज द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन दैट हेल्प इन रियलाइजिंग न्यू वुमेन. तो वी नीड अ न्यू मैन दैट विल हेल्प इन रियलाइजिंग न्यू वुमेन. यहाँ पे कुछ आपको कंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे आपने अपने स्टैंड ले लिया, उसी स्टैंड पे फॉर्म करना है कि न्यू वुमेन के लिए देयर शुड बी अ न्यू मैन. तो यहाँ पे आप कुछ नया लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक विजन दे रहे हो. यू हैव टेकन द स्टेप कि आपने ये नहीं बताया कि न्यू मैन होना नहीं चाहिए कि होना चाहिए, आपने बोला देयर शुड बी अ न्यू मैन हु विल हेल्प इन रियलाइजिंग द न्यू वुमेन. ठीक है, तो फ्रेश आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट नहीं करना. और ऊपर से यहाँ पे टोन जो होनी चाहिए, टोन क्या होनी चाहिए, देखो अपोलोजेटिक एंड पेसिमिस्टिक नहीं होने चाहिए कि इंडिया इज अ पुअर इंडिया, ऐसे कुछ पेसिमिस्टिक अपोलोजेटिक ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं देना है. ठीक है, और ऊपर से फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक तो होना चाहिए, उसके अलावा ऐसा नहीं कि इंडिया विल रिमेन अ पुअर. ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमें याद रखना ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव. तो ऐसे में क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है? एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं आपकी. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर रहे, मतलब आप अपनी चीज़ें आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. और फिर डिसीजन मेकिंग, क्या आप प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. अगर आपने कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड किया तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढो. तो आपको प्रॉब्लम अगर दिखनी है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर 4-5 पॉइंट बनाने हैं आपको हर एक पे. क्या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, करेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको स्टैंड लेना चाहिए, सपोज अगर कुछ किसी क्रिटिसाइज़ करनी है तो डोंट शाई अवे फ्रॉम, यू शुड हैव अ करेज टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग. रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रेवेक्स फैक्ट्स स्टैटिस्टिक जो भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं हवा में बातें कर रहे हो, उसके लिए कुछ फैक्ट्स क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए. और कंपैशन होना चाहिए, तो एम्पैथी होती है कि वैन यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. ठीक है, कंपैशन क्या होता है, जब आप उसको हेल्प भी कर पाते हो. कंपैशन क्या होगा कि आप फील भी कर पा रहे हो सामने वाले बंदन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो होता है कंपैशन. तो यहाँ पे प्रो पुअर, प्रो वुमेन, प्रो माइनॉरिटीज एंड प्रो वनरेबल सेक्शन. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंपैशनेट, शुड बी रैशनल, शुड हैव अ करेज टू टेक अ स्टैंड, शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, एंड देन शुड टेक अ डिसीजन, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अभी तक हमने देखा क्या नहीं होना चाहिए कंक्लूजन. कंक्लूजन होना क्या चाहिए, या तो पेनल्टीमेट होता है, एक अल्टीमेट होता है. पेनल्टीमेट में वे फॉरवर्ड लिखते हैं, तो सबसे पहले अल्टीमेट से पहले पेनल्टीमेट, इसमें वे फॉरवर्ड लिखते हैं. तो आप शॉर्ट टर्म वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म, जैसे हैडिंग नहीं देना, बैक ऑफ द माइंड, आपको दोनों टाइप के सॉल्यूशन देने, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए. और यहाँ पे आप दे सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर क्रिएट करना. फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए स्कूल्स, वैल्यू सिस्टम के लिए हमें फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है. तो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल वे फॉरवर्ड दे सकते. फिर जो भी आपके वैल्यूज़ हैं प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, और जो भी न्यू वैल्यूज़ हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एटीट्यूडनल चेंज एंड बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए. फिर होता है अल्टीमेट, एकदम पंच लाइन दे दी लास्ट में. अल्टीमेट क्या, लास्ट इंप्रेशन आप डाल सकते हो किसी एग्जामिनर्स पे, और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. सो एंड में इस तरीके से पंच लाइन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कैसे आया था, फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स. तो इस तरीके से आप दे सकते हो लास्ट में पंच लाइन, दैट इज़ इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग कैन गो राइट देन फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विद ग्रेन्स नॉट गन्स. सो फ्यूचर बिलोंग्स टू नेशन विद ग्रेन्स नॉट गन्स, ये MS स्वामीनाथन ने बोला है. फ्यूचर बिलोंग टू द नेशन विद ग्रेन्स नॉट गन्स. सो हम कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, ठीक है, तो हमारी डेमोग्राफी की प्रॉब्लम तो है ही, डेमोग्राफिक हमारे फेवर में है लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वी डू नॉट यूटिलाइज दिस, या सो दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम डेमोग्राफिक डिजास्टर. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बिकम डेमोग्राफिक डिजास्टर, इज अ पंच लाइन, इट्स अ काइंड ऑफ अल्टीमेट कंक्लूजन जो आप दे सकते हो. तो हम इस तरीके से अल्टीमेट कंक्लूजन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म इज लाइक अ डबल एज्ड सोर्ड,
ऑन द वन हैंड इट गिव्स अपॉर्चुनिटी, ऑन द अदर हैंड इट क्रिएट सोसाइटी विद डुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज हैव एंड हैव नॉट्स. कंक्लूजन अराउंड 200 वर्ड्स का होना चाहिए, 200. तो ये पेन अल्टीमेट वाला 150 वर्ड्स एंड अल्टीमेट आपका कंक्लूजन होना चाहिए 50 वर्ड्स में. अल्टीमेट में आप क्या क्या कर सकते हो? सो आप एक क्या कर सकते हो, कोट से ख़त्म कर सकते हो या वे फॉरवर्ड से ख़त्म कर सकते हो. कोट, वे फॉरवर्ड, पंच लाइन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए बिकॉज ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन है आपका. जैसे हम आया था इंडिया ऑफ माई ड्रीम, तो क्या होगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम दैट फुलफिल ऑल द आइडल्स ऑफ प्रियम्बल. तो प्रियम्बल याद है, तो प्रियम्बल की सारी बातें चेपनी है. तो पेट्रियाटिज्म पे आए, तो पेट्रियाटिज्म क्या होगा, फुलफिलिंग ऑल द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरीके से पॉलिटी जो पड़ी है उसका यूज़ कर सकते हैं. तो पेट्रियाटिज्म क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करना, ड्रीम इंडिया एज अ ड्रीम क्या होगा, प्रियम्बल को फॉलो कर लो, फंडामेंटल राइट्स को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए तो इट विल बी इंडिया माई ड्रीम, और सारे DPSPs को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए.